आज की वीडियो में फिल्मोरा का पूरा कोर्स हम कवर करने वाले हैं। अगर आज से पहले आपने फिल्मोरा कभी नहीं चलाया या फिर आप फिल्मोरा थोड़ा बहुत चला लेते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद फिल्मोरा ए टू जेड बेसिक आपको समझ आ जाएगा। चाहे आप एडिटिंग की बात करो, चाहे साउंड इफेक्ट्स कैसे लगाने हैं, चाहे म्यूजिक कैसे लगाना है, चाहे टाइटल टेक्स्ट इफेक्ट्स कैसे लगाने हैं या कलर ग्रेड कैसे करना है और उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप चाहे कॉमेडी वीडियो बनाओ, चाहे टेक वीडियोस बनाओ, चाहे व्लॉगिंग करो, ये सारे तरीके आप सारी तरीके की वीडियोस में एडिट कर पाएंगे। तो अब वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बने रहिएगा एंड तक और बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। तो जैसे ही आप अपने फिल्मोरा के स्क्रीन को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके की विंडोज आपके सामने आ जाएंगी, मल्टीपल विंडोज है। जैसे यहाँ पे ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपका प्रीव्यू होगा, ये जो आपको क्लिपबोर्ड सा नजर आ रहा है, यहाँ पे आपकी वो फाइल्स होंगी जो आप डालेंगे, जो इसमें इंपोर्ट करेंगे या फिर जो आपके इफेक्ट्स होंगे, ये नीचे आपकी टाइमलाइन है, यहाँ पे आप एडिटिंग करेंगे। पहले तीन चीजें हम लेके चलेंगे, हमें इतना ही करना है। अब या तो आप वीडियो इंपोर्ट करने के लिए इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर जहाँ पे भी आपकी फाइल्स हैं आप उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब मैं एक बार अपनी वीडियो फाइल जो है, जो मुझे एडिट करके आपको दिखानी है, उनको मैं यहाँ पे सिंपली ड्रैग करके ड्रॉ कर देता हूँ। ये फाइल्स हमारी आ चुकी है, काफ़ी जल्दी आ गई, मतलब कि फुल HD फाइल्स हैं ये सारी, फिर भी स्पीड अच्छी है। अब इनके ऊपर आप देखेंगे जैसे मीडिया के साथ साथ ऑडियो, टाइटल, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, एलिमेंट्स, स्प्लिट स्क्रीन, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। हमें अभी एक एक करके इनके ऊपर काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो आप अपनी सभी फाइल्स को कंट्रोल ए दबा के इम्पोर्ट कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन में। ये हमारी टाइमलाइन, जैसे हमारा जो रेजोल्यूशन है, हमारी वीडियोस हैं फुल HD 30 FPS की और हमारी टाइमलाइन थी फुल HD 25 FPS की। तो ये यही दिखा रहा ऑप्शन कि आप 30 FPS की टाइमलाइन बनाना चाहते हो या 25 FPS में अपनी सारी वीडियोस को कम करना चाहते हो। तो रेकमेंड हमेशा यही किया जाता है कि जो आपकी वीडियो की टाइमलाइन है, प्रॉपर्टी है, जैसे 30 FPS में हमने शूट करा था तो 30 FPS में ही हम इसको इम्पोर्ट करेंगे। ये सारी फाइल्स हमारी लोड हो चुकी है। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये आपका स्क्रोल बार है, इसको आप स्क्रॉल करके ये आपकी वीडियो की सारी एंड तक जा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ ये जो आपका प्लस माइनस का साइन है, यहाँ से आप जूम आउट करेंगे तो ये आपकी सारी वीडियोस आपको नजर आ जाएगी। आप साथ साथ ही प्रोजेक्ट को सेव करते जाइएगा कि अगर बाय चांस आपकी लाइट चली गई या कंप्यूटर क्रैश होता है तो आपके जो सेव है, जो आपकी एडिटिंग है, वो सेव रहे। हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं कमल सैंपल 1। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है सेव हो चुका है, एटलीस्ट अगर इसको हम बंद करते हैं या बंद होता है तो ये हमारा इतना तो रहेगा ही। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि वीडियो के साथ साथ यहाँ पे ऑडियो के भी लेवल्स है, ये ऑडियो की बार आपको नजर आ रहे होंगे, हम और जूम कर लेते हैं इसमें। अब इसके साथ साथ में आप यहाँ पे अगर दोनों टाइमलाइंस के बीच में इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगी कुछ इस तरीके से, आप जैसे भी जितना बड़ा मर्जी आप करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी फाइल्स हैं, ये ऊपर आपका स्क्रोल बार है, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको ये कैंची का जो इफेक्ट नजर आ रहा है, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमारी वीडियो का उसको हम डिलीट करेंगे। अब पहले ये फाइल हमारी और इससे पहले की ये फाइल और ये फाइल, ये तीन हमारे काम की नहीं थी तो इनको हम सिंपली डिलीट कर सकते हैं डिलीट का बटन दबा के। अब ये पहली हमारी वीडियो है जो चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो ब्लॉग है वो बेसिकली हमारे अराउंड ही है, मतलब कि जैसे एज यूजुअल होता ही है। अब या तो देखो अगर आपकी वीडियो है, जैसे अभी यहाँ पे स्मूथ नहीं चल रही है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे 1:2 है ये, इसको 1:4 1:8 कर सकते हो तो रेजोल्यूशन यहाँ पे आप थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन वीडियो जो है आपकी स्मूथ चलेगी। तो इससे आपकी एक्चुअल क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका जो PC है उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अभी अगर मैं फुल में चलाऊं, मतलब आज हम बात करेंगे जो हमारी फुल में भी हमारा ठीक चल रहा है तो हम फुल रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, ये जो हमारे बीच के एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम सिंपली ऊपर जो कैंची का साइन है, कैंची के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारी वीडियो फाइल जो है स्प्लिट हो गई दो पार्ट्स में। अब उसके बाद या तो आप दोबारा से यहाँ आगे चल के कैंची के साइन पे सीजर्स पे हम क्लिक करके बीच का पार्ट जो हमारा सेलेक्ट हो गया डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, मान लो ये जो बीच का एक्स्ट्रा खाली पार्ट है इसमें एक साइड से हमने ट्रिम करा, स्प्लिट करा और इसके बाद इसी फाइल को हम, अब यहाँ पे आप वीडियो फाइल की स्टार्टिंग में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप ड्रैग करके आगे की तरफ ले जा सकते हैं और आपका आगे का पार्ट डिलीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से हमें जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है हमारी वीडियो में वो सब हम डिलीट कर देंगे। अब ये वाली हमारी वीडियो है, इसको हम सिंपली ड्रैग करके आगे ले जा सकते हैं
ये देखिए, जैसे हमने सिंपली क्या करा, अपनी फाइल को जो हमें आगे लगानी थी उसको ड्रैग करके हमने सिंपली बीच में ड्रॉप कर दिया। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा हमारे आसपास में घूमता है, मतलब कि जैसे सारी दुनिया। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया हो कि कैसे ट्रिम करना है अपनी क्लिप्स को। जितना आप जूम करना चाहें उतना जूम करके उतना बारीक आप कट लगा सकते हैं। मुझे इतने ज़रूरत नहीं थी इतना बारीक कट लगाने की, बट फिर भी मैंने जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था स्टार्टिंग में वो सब मैंने कट कर दिया ताकि मेरी वीडियो छोटी से छोटी और अच्छी से अच्छी बन सके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा रहेगा, यहाँ पे मैं कुछ इफेक्ट सा लगाना चाहता हूँ। तो फिल्मोरा की ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बने बने इफेक्ट भी हमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, इनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये वाला इफेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। पूरा पार्ट हमें नहीं चाहिए इफेक्ट, हम सिंपली क्या करेंगे इतना रखेंगे जितना हमें चाहिए। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज हमारी एडवांस कलर टूल्स, ये रही हमारी एडिट, और क्रोमा की के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारा ग्रीन स्क्रीन जो था वो तो हट चुका है, और काफ़ी अलग ऑप्शंस भी हैं जो हमारे बारीकी से हम ग्रीन स्क्रीन को हटा सके। अब जैसे जैसे मैं इनको छेड़ता हूँ आप यहाँ टाइमलाइन पे देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता जा रहा है। तो जैसे भी आप रखना चाहें अपनी पसंद की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जो हमारी वीडियो फाइल थी इसमें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और जूम हो, तो हम ये एडिटिंग के टैब पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की जो टैब है इसको ओपन करेंगे और स्केल हम कर देंगे वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा। पोजिशन आप इसकी खूब ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हैं। मेक श्योर करें जिस भी फाइल को आप छेड़ना चाहते हैं वो हमेशा सेलेक्ट हो आपकी, या तो आप इसकी पोजीशन यहाँ से भी छेड़ सकते हैं, वाइज ऑफसेट आप करना चाहें कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये चले फाइल कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको नजर आएगा। आप इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। आप जैसे ये है, हम इसको डाउनलोड अगर कर ले यहाँ पे, ये हमारा इफेक्ट है, ये आप देखेंगे रख दिया है गरम होने, और अब मैं कर लेता हूँ तेल में लगा। अब आप चाहो तो इसकी प्रॉपर्टी को तेज भी कर सकते हो। इसके अगर हम स्पीड को बढ़ाएं, स्पीड एंड ड्यूरेशन पे हम जाएंगे और हम इसको कम करते जाएंगे। ये करीब हम इसको कर देते हैं 2 सेकंड के, 1 सेकंड का हम इसको कर देंगे। तब जैसे आप देखेंगे पानी हमने, ये हमारा इफेक्ट जो है आ चुका है। सेम तरीके से हम इसकी एडिटिंग में जाएंगे, क्रोमा की को ऑन करेंगे और ये हमारा इफेक्ट जो है हट चुका है, सॉरी ग्रीन स्क्रीन जो है हट चुकी है। इसकी पोजीशन हम सेट कर देते हैं, यहाँ पे हम कोने पे लगा देते हैं जैसे, तो उससे क्या होगा। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट अगर कोई लगाना है तो आप साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हैं। इंपोर्ट कर लेता हूँ साउंड यहाँ पे, जो भी फाइल आपको सेलेक्ट करनी है ये हम सिंपली ड्रैग करा, ये हमारी फाइल आ गई। अब जैसे यहाँ पे आप इसको सेटिंग भी कर सकते हैं, बस इतना ही हमें इफेक्ट चाहिए था, तो इतना ही हम रखेंगे, आगे का डिलीट कर देंगे। अभी जैसे यहाँ पे हमारी वीडियो थोड़ी सी लैग हो रही है तो हम इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर देंगे, टाइमिंग हम इसकी मैच कर देंगे आगे जो हमारी क्लिप जहाँ पे शुरू होती है बम ब्लास्ट की वहाँ के साथ। जो भाई हमारी सबसे बेसिक चीज़ें कि हमें कैसे अपनी टाइमलाइन में पहले कट करने हैं सारी चीज़ें, उसके बाद कैसे ड्रैग करके कौन सा सीन आगे लगाना हुआ ड्रैग करके आगे लगाया, उसके बाद उसके ऊपर कोई इफेक्ट देना वो हमने लिख दिया, नीचे कोई साउंड इफेक्ट लगाना सिंपली ड्रैग करके नीचे की तरफ लगा दिया। अब इसके बाद आ जाती है हमारी टाइटल्स की। अगर जैसे स्टार्टिंग में हमें कोई टाइटल रखना है तो हम सिंपली टाइटल के टैब पे जाएंगे, यहाँ पे अब जैसे ये गेट मोर अभी हम नहीं करते, ये काफ़ी सारे टाइटल्स हमें यहाँ पे बने बनाए मिल जाते हैं, तो इनमें से जो भी टाइटल अगर आपको पसंद है तो आप उस तरीके का टाइटल लगा सकते हैं। अब यहाँ से मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, इसको हम ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं, डाउनलोड ही हो गया। अब जैसे अगर इसको आप प्ले करके देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इस तरीके से कुछ बन के आएगा। पहले हम इसकी स्पीड को कम कर देते हैं, ड्यूरेशन को हम कम कर देते हैं कि हमें 5 सेकंड का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ये करीब 2 सेकंड का। तो हम इसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया। अब उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइटल रखना है, जो भी आपका टाइटल है, मैं यहाँ पे कमलप्रीत रख देता हूँ, या फिर जो भी आपके ब्लॉग का नाम है आप वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉग्स रख देता हूँ जो मेरे चैनल का पूरा नाम हो जाएगा, कमलप्रीत ब्लॉग्स। अब यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज में कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी साइज छोटा बड़ा बोल्ड इटैलिक सब कुछ करके देख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो।
यहाँ पे आपको सारे इफेक्ट्स दिख जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी आप करना चाहते हैं। अभी के लिए मुझे नॉर्मली सही लग रहा था, मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा। Hey guys, welcome back to the channel, और आज का जो व्लॉग है वो आई होप आपको ये जो टाइटल वाला सिस्टम है ये समझ आ गया। काफी इजी तरीके से आप यहाँ पे जो बने बनाए इनके टाइटल्स हैं, इनमें से बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं और काफी सारे अच्छे भी हैं। इनमें आपको और भी प्रीसेट्स भी मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे भी सर्च करेंगे तो, या फिर आप अपने कस्टम भी बना सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी ट्रांजिशंस की। अगर आपको अपनी वीडियोस के बीच में कोई ट्रांजिशन देनी है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारी वीडियो है और अब मैं कर लेता हूं, ये हमारा कट है, जैसे गरम होने और अब मैं कर लेता हूं, इसको हम पहले स्टार्टिंग में डिलीट कर देंगे पार्ट को। ट्रांजिशन के साथ हम सिंपली मैच करेंगे, जैसे जैसे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ से फ्रेम हमारा चेंज होता हुआ यहाँ जा रहा है तो यहीं तक हमें रखना है और दूसरा हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे अब। और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रांजिशन भी मिल जाएंगे। अब कोई भी हम लगा के देख लेते हैं। अभी ये काफी फनी सा है, मतलब थोड़ा सा कार्टूनिश टाइप है, शायद कॉमेडी वीडियोस में ये अच्छा लगे। आप इनको ड्रा करके छोटा भी कर सकते हैं। हमने रख दिया है और अब मैं कर लेते हैं। अच्छा है, रख दिया है और अब मैं कर लेते। काफी अच्छा मुझे लग रहा है, मतलब थोड़ा सा फंकी सी लुक आपके व्लॉग की आपकी वीडियो की बनी रहेगी। इस तरीके के ट्रांजिशन आप दे सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ काफी सिंपल से है, नीचे की तरफ काफी कलरफुल वाले भी हैं, तो इनमें से कोई भी अगर ट्रांजिशन आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूज करी ये वाली, इसको देखें तो कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन ये होगी। फिर इसके बाद फाइनल चीज हमारी आ जाती है एक, हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स। आप अगर यहाँ ऑडियो पे से जाकर सेलेक्ट करोगे, अगर आपको इन्हीं में से कोई यूज करना है तो आप ये डेफिनेटली यूज कर सकते हो, कॉपीराइट फ्री का मुझे नहीं पता, बट अगर आपके पास अपने म्यूजिक है जो कॉपीराइट फ्री हो तो सिंपली आप उनको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। पहले तो मैं कोई भी एक फाइल निकाल लेता हूँ और हमने यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया इसको। ये फाइल हमारी आ चुकी है बैकग्राउंड म्यूजिक की। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक और नीचे वाली लेयर पे हम इसको छोड़ देंगे। अब इस ऊपर वाली लेयर पे अगर हम इसको छोड़ दें तो हमारा जो साउंड इफेक्ट था वो हट जाता, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी लेयर है बैकग्राउंड म्यूजिक की वो अलग हो आपके साउंड इफेक्ट वाली लेयर से। हमें अब जैसे ये पूरा सॉन्ग तो नहीं चाहिए, स्टार्टिंग का ही पार्ट चाहिए, तो हम सिंपली इसको डिलीट कर देंगे आगे का पार्ट। हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा लगा हुआ है, अब इसकी वॉल्यूम को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे डायलॉग्स ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ए नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे -12 -11 8 इस तरीके से जो भी आपकी साउंड सेट बैठे आपके डायलॉग्स के साथ उतना आप रख सकते हैं। Hey guys, welcome back to the channel, और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा हमारे आसपास में घूमता है, मतलब कि जैसे सारी दुनिया पानी। इस तरीके से हमारा जो है बैकग्राउंड म्यूजिक भी लग गया और साथ में हमारा टाइटल भी आ गया, ट्रांजिशन भी आ गई और ये कुछ ग्रीन स्क्रीन वाले इफेक्ट भी आ गए। इफेक्ट है जो जैसे ये बम वाला जो ब्लास्ट हो रहा है ये हमारा पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो हम चाहते हैं अगर ये कि पूरी स्क्रीन पे आए तो हम सिंपली क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे क्रोमा की, तो इसका भी हम बंद करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में इस पे जाएंगे, स्टार्टिंग की हमारी ये जो पोजीशंस हैं यहाँ, इनको अगर हमें ऑन करना है इनकी प्रॉपर्टीज को, तो ये हमारा जो की फ्रेम का बटन आपको यहाँ नजर आ रहा है ये एडिटिंग का, इसके साथ में की फ्रेम का, तो ये हमारे की फ्रेम लग गया कि अभी के लिए ये पोजीशन है, और जैसे जैसे हम आगे आएंगे हमारा की फ्रेम हम दूसरा लगा के यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को बड़ा करके इसकी पोजीशन भी हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको अगर हम बैक लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारा जो इफेक्ट है कुछ इस तरीके से नजर आएगा पानी। ये आई होप आपको समझ आया, स्टार्टिंग में छोटा है जो हमारी पोजीशन हमने फिक्स करी, जैसे जैसे आगे जाती जाएगी चीज वैसे वैसे हमारी जो देखेंगे आपकी वीडियो फाइल जो है वो बड़ी होती जा रही है। इसको आप चाहे बड़े से छोटा भी कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, जैसे मर्जी आप करना चाहे कर सकते हैं। घूमता है, मतलब कि जैसे सारी दुनिया पानी। ये हमारी चीज बनके तैयार है। कलर ग्रेडिंग हमेशा आपका फाइनल स्टेप होना चाहिए, उससे पहले अगर आपको वीडियो के अंदर कोई वॉइस ओवर भी अगर करना है तो वॉइस ओवर के लिए फिल्मोरा में बड़े इजी ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ पे आपको ये टाइमलाइन है आपकी, जूम इन जूम आउट करना है, ये हमारी टाइमलाइन फिट हो गई, अब जूम इन थोड़ा सा हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको वॉइस ओवर चाहिए किसी भी तरीके का तो आप सिंपली ये माइक के ऊपर क्लिक करके
अपनी वीडियोस को डब कर सकते हैं या फिर जो भी आपका वॉइस ओवर है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर ही। तो आप सिंपली आपको सिर्फ स्टार्ट करना है और जब सेव हो जाएगी तो ओके कर देना है। अब इसके अलावा हमारी जो बचती है कलर ग्रेडिंग, अब ये फाइल जैसे है हमारी, ये फाइल हमारी है एसलोग 3 में। अब इसके अंदर कलर्स काफ़ी कम है तो इसको हम कलर ग्रेड करेंगे फिल्मोरा में। सिंपली ये जो आपका टैब है कलर का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कलर करेक्शन पे हम जाएंगे। कलर मैच नहीं करना क्योंकि हमें किसी और से मैच नहीं करना है, हमें अपनी वीडियो को ग्रेड करना है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो काफ़ी सारे बने बनाए प्रीसेट्स भी आपको मिल जाते हैं। आप इसके अलावा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो आपके प्रीसेट्स आपके किसी भी सॉफ्टवेयर के हों वो आप फिल्मोरा के हिसाब से आप सेव कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आप एडजस्टमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कलर ग्रेडिंग के। अब पहले अगर आपको नहीं आती है बिल्कुल भी तो आप ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया शायद लग जाए कि किस तरीके के कलर ग्रेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको आता है तो सिंपली आप क्या करेंगे, अभी इसको हम बंद करके हमारा जो वाइट बैलेंस है इसको हम पहले सेट कर लेते हैं। वाइट बैलेंस क्या होता है बेसिकली, जो भी आपकी वीडियो है जैसे यहाँ से हम देख लेते हैं। अब अगर आपकी वीडियो में कोई टेम्प, मान लो कि आपने बल्ब जला के वीडियो बनाई हुई है, जो बल्ब आपका येलो कलर का था तो वीडियो आपकी येलो येलो आएगी, तो आप इसको थोड़ा ब्लू की तरफ ले जा कर सेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी ब्लू लाइट ज़्यादा थी तो आप इसको येलो की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी वाइट लाइट थी तो मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं आपके लट्स। लट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, स्पेशली अगर आप सी लोग में कैनन का कैमरा या फिर एस लोग में शूट करते हैं तो जो आपके लट्स होंगे वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर इनके काफ़ी सारे जैसे लट्स बने हुए हैं, इनमें से अगर मैं कोई देखूं तो ये हैरी पॉटर मुझे नहीं अच्छा लगा, या फिर कूल फिल्म, या फिर डार्क फिल्म, इस तरीके से इनके बने हुए हैं लट्स काफ़ी सारे। बट अभी अगर आपको पता है कि आपके लट्स आपने कहाँ रखे हुए हैं तो आप वहाँ से सिंपली इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट आपका बन जाएगा। बट हम आप क्या करेंगे, हम अपना कलर ग्रेड खुद करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपोजर सेट करेंगे, एक्सपोजर हमारा जैसे थोड़ा सा ब्राइट है तो इसको हम हल्का सा कम की तरफ कर देंगे, ब्राइटनेस भी हम हल्की सी कम की तरफ करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा ओवर एक्सपोज है। कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रास्ट अगर आप ज़्यादा आगे की तरफ करेंगे तब वीडियो देखेंगे जो आपकी शेड है आपके कलर्स की वो एकदम डार्क होती जाती है। कईयों को ज़्यादा डार्क पसंद आते हैं, कईयों को थोड़े लाइट पसंद आते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। लेकिन आप इसको ज़्यादा कभी भी मत छेड़िएगा, -10 -20 तक जाओ या फिर +10 +20 तक जाओ, या फिर आप थोड़ा सा शूट के अंदर ही देखो कि कैसे आपके कलर्स हैं। अभी के लिए मैं इसको +2 की तरफ छोड़ देता हूँ। सैचुरेशन हमारी अब जैसे एस लोग में है तो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमारी वीडियो में सैचुरेशन बिल्कुल कम थी। सेम थोड़ा सा वाइब्रेंस भी बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पे कलर्स आप देखेंगे तो कलर्स जैसे निखर के आने लगे हैं। अभी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लाइट हम देखें जैसे यहाँ पे शेडोज हम थोड़ी सी ज़्यादा उठा देंगे, शेडोज उठाएंगे तो यानी कि हमारी जो वीडियो है उसमें से अंधेरा जो है वो थोड़ा उठ जाएगा, थोड़ी सी वीडियो ब्राइट हो जाएगी। सेम उसी तरीके से हाइलाइट्स हम थोड़ा सा कम कर देंगे, जो ज़्यादा ओवर एक्सपोज पार्ट था वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। व्हाइट्स हम थोड़े से ओवर कम कर देंगे और ब्लैक थोड़े से हम कम की तरफ करेंगे क्योंकि हमें वीडियो थोड़ी डार्क चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पीछे जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉइस है इसमें क्योंकि हमने एसलॉग में शूट करा और लाइट हमारी प्रॉपर नहीं थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम जैसे यहाँ पे अब कलर्स हैं, जैसे हमारी स्किन टोन जो होती है मोस्टली ऑरेंज कलर की शेड में आती है, अब इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो आप जैसे देखेंगे मेरी स्किन टोन के साथ साथ पीछे जहाँ पे मेरी स्किन टोन वाला कलर है वो सारा चेंज हो रहा है। तो ये आप छेड़ के देख सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। अब जैसे ब्लू कलर अगर मुझे चेंज करना है, पीछे जो ब्लू फोटो आपको नज़र आ रहा होगा कलर, तो उनमें देखिएगा कि किस तरीके से ब्लू चेंज हो रहा है। इसकी सैचुरेशन भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइटनेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जैसे आपको जो चीज़ पसंद आए एक एक कलर को आप उस तरीके से ग्रेड कर सकते हैं। ल्यूमिनस बेसिकली होती है आपके कलर की शेड कि कितना डार्क चाहिए वो शेड या फिर कितना ब्राइट चाहिए वो शेड। आगे की तरफ लेके जाओगे तो वो लाइट होता जाएगा, वो थोड़ा सा क्लियर नज़र आएगा, पीछे की तरफ लेके जाओगे तो थोड़ा डार्क होता जाएगा। सैचुरेशन तो आपको सभी पता ही है कि सैचुरेशन यानी कि कलर जितना ज़्यादा आएगा, ह्यू आपके वही ब्लू को थोड़ा सा लाइट ब्लू में चला जाएगा या फिर थोड़ा पर्पल में चला जाएगा, पिंक में चला जाएगा आगे पीछे की तरफ करोगे तो। इस तरीके से आप किसी भी कलर को छेड़ सकते हो। अब ये विनियटिंग आपको पता ही होगा कि जो आपकी बॉर्डर बन जाती है आपकी स्क्रीन के चारों तरफ, माइनस में हम लेके जाएंगे तो ब्लैक की बॉर्डर बनेगी, आगे की तरफ लेके जाओगे तो वाइट की बॉर्डर बनेगी।
इसके साथ साथ आप इसका साइज भी कम ज्यादा जितना मर्जी आप करके देख सकते हो। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे अब ये चीजें पसंद नहीं है विनेटिंग करना, तो इसलिए मैं इसको रिसेट कर दूंगा। अब इसके बाद अगर आप चाहो कि ये सेम सेटिंग्स आपको हर वीडियो के लिए चाहिए, तो आप इसको सेव एज प्रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो कि सेम सेटिंग आप जो भी आप रखना चाहते हो, उसके बाद ओके करोगे या फिर ये आपकी जो प्रीसेट है इसको ओके करोगे तो आपकी वीडियो पे कलर ग्रेड हो चुका है। तो कलर ग्रेड हमारी हो चुकी है, अगर जो आपका प्रीसेट था अगर आपने वो सेव किया हुआ है, ये अब जैसे हमारी दूसरी फाइल है ये भी SLOG 3 में ही है, इसके ऊपर भी हम सेम प्रीसेट लगा सकते हैं। कलर करेक्शन पे हम जाएंगे, ओल्ड प्रीसेट्स में जो आपका कस्टम प्रीसेट है या माई प्रीसेट के नाम से जो आ रहा है, ये आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखेंगे जैसे ये हमारा इफेक्ट बन के आ चुका है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कलर ग्रेडिंग बहुत परफेक्ट हमने करी है, हम इसको और अच्छा कर सकते हैं काफ़ी अच्छा टाइम लगा के, बट उसका कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ें हैं जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि इस तरीके से होगा। अब इसके अलावा जैसे हम यहाँ बात करना चाहें, यहाँ पे लोअर थर्ड्स भी इनके काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे आपको कुछ लगाना हो तो ये सिंपली जैसे अगर हम इंपोर्ट करते हैं ये डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके का। जैसे इंपोर्ट यहाँ पे आप इंस्टाग्राम अपना डालना चाहे वो डाल सकते हैं। ये हमारा लोअर थर्ड भी लग गया। इस तरीके से आप इनके काफ़ी सारे इफेक्ट्स जैसे ये सब लगा सकते हैं। इनमें से काफ़ी और भी चीज़ें अगर ट्रांजिशन जैसे मैंने बता दिए, इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जैसे ग्लिच आपको चाहिए किसी सीन पे, या फिर कोई ऐसे रेट्रो वाली फीलिंग चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, जो भी इफेक्ट आए यहाँ पे काफ़ी अलग अलग इफेक्ट भी इन्होंने दे रखे हैं। तो इनमें से हो सकता है कुछ आपके सीन के अकॉर्डिंग अच्छा लगे, तो आप जैसे अभी हमने ये वाला ड्रैग किया है ये इफेक्ट में, जैसे आप देखेंगे कि ये स्क्रीन पे स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। ये वाला इफेक्ट पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद भी है, और ये इसको मैं इस इफेक्ट के साथ, ये जो फिल्म वाला इफेक्ट है इसके साथ अगर मैं करूँ तो अच्छा और ज़्यादा लगता है हमें। अभी इसको हम टाइटल को अपने ऊपर रखेंगे, लोअर थर्ड को इसको ड्रा करके पूरा ऊपर की तरफ से खिसका देंगे। अब यहाँ पे हमने दो इफेक्ट को मैच किया और काफ़ी अच्छा ये जो कट है, ऊपर की रील चल रही है और अंदर वो स्क्रैचेस आ रहे हैं, पुरानी फिल्म वाले लुक हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे और भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, तो जो भी आपको पसंद आए आप वो लगा सकते हैं। एलिमेंट्स की बात करें तो अब जैसे आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हो या फिर पूरे रोस्टिंग वीडियोस होती हैं, तो उसमें बूम तड़ाक डिचुंग डिचुंग जो भी होता है वो सारी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। इनमें से कुछ भी उठा के आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके अगर हम प्रॉपर्टीज खोलें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में जाके स्केलिंग हम इसकी थोड़ी कम कर देंगे, और जहाँ पे भी आपको रखना है जैसे भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारे इफेक्ट्स, एडिटिंग, कट, कॉपी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैंने आपको बता दिया, साउंड इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है इसमें? अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर आपको कुछ और चाहिए या फिर आपकी नहीं है कोई और रिक्वायरमेंट, तो आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के बाद जो भी आपका नाम आपको रखना है वीडियो का वो रख सकते हैं। अभी यहाँ पे कमल सैंपल 1 है, इसके आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे इसको, पल 1 डेस्कटॉप पे हम रखेंगे। सेटिंग्स फुल HD में है हमारी और 30 FPS में है हमारी वीडियो, तो ये हम सेम रखेंगे, वरना हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लो कि आपको थोड़ा सा 720 में चाहिए या छोटा चाहिए, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं 1920 के अलावा। आप इसको अपस्केल भी कर सकते हैं, 4K में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर फ़ोन से बनाई हुई है तो इतना फ़ायदा नहीं होगा। क्वालिटी हमेशा आपको बेस्ट रखनी है। ये बिट रेट आपकी 10,000 KBPS हो गई, वैसे मैं इसे और ज़्यादा रखता हूँ, मैं 24 से 30 के बीच में रखता हूँ, 30,000 KBPS। इससे ये फ़ायदा होता है बेसिकली, जब आप वीडियो को अपलोड करते हो यूट्यूब पे, तो जो बंदा HD में देख रहा है तो उसको तो अच्छी दिख ही रही है, लेकिन अगर आपके बिट रेट ज़्यादा हैं, 30 हैं या 24,000 के आसपास है, तो अगर जो बंदा 360 या 480 में भी देखेगा उसको भी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लेकिन जितना ज़्यादा बिट रेट को बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा वीडियो का साइज भी बड़ा होता जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करना है कि इतने फाइल साइज है, इतना बिट रेट है, तो जो भी आपको ठीक लगे। मैं 30 के आसपास रखता हूँ, मेरे पास वाईफाई अच्छा है, तो 1-2 GB की अगर वीडियो मेरी होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, 1 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगी। यहाँ से सिंपली ओके करना है बस, और यहाँ पे हमारा इनेबल GPU एक्सेलरेशन है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, और इसको हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आपकी जो वीडियो रेंडरिंग है वो जल्दी हो जाए। मोस्टली आपको हमेशा MP4 में ही सेव करनी है YouTube के लिए, अगर आप दूसरे फॉर्मेट करते हैं तो YouTube के लिए वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। इसको हम सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे और हमारी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी।
तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको किस तरीके के टॉपिक चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।